नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी, कॉलेज और शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें लगातार इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर राजनांदगांव से खबर है। तो महाविद्यालय में विद्यार्थियों को दाखिला तो दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी 90% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है। सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थी को भी दाखिला नहीं मिलने पर पालकों को काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। महाविद्यालय में दाखिला देने के लिए पालकों द्वारा अब प्रवेश परीक्षा कराने की मांग भी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक महाविद्यालय में मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को दाखिला दिया जा रहा है। दिग्विजय महाविद्यालय से लेकर अन्य महाविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए सीटें भी बढ़ाई जा चुकी है। 195 सीट की बढ़ोतरी कर देने के बाद भी विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है। दिग्विजय महाविद्यालय में तो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए में दाखिला देने के लिए तीसरी लिस्ट भी जारी की जा चुकी है, जिसका कट ऑफ 90% के ऊपर रखा गया। ऐसे में 90% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है। सामान्य से लेकर ओबीसी, एससी, एसटी के विद्यार्थी भी दाखिले के लिए चक्कर काट रहे हैं। हरदी बाजार से खबर है। तो शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदी बाजार में छत्तीसगढ़ शासन तथा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से एमकॉम पाठ्यक्रम के लिए 40 सीट की संबद्धता सत्र 2021-22 के लिए प्राप्त हुई है। एमकॉम प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन परीक्षा 15 से 25 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश हेतु वरीयता सूची 26 सितंबर को जारी की जाएगी तथा छात्र छात्राएँ 30 सितंबर तक प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म व आवश्यक जानकारी संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। रायगढ़ से खबर है। तो कॉलेज में सीटें रिक्त रह जाने के कारण अब पोर्टल को विश्वविद्यालय ने तीसरी बार खोल दिया है। पहले दो बार समय दिया गया था, जिसके बाद भी सीटें रिक्त रह गया है। ऐसे में समय बढ़ाया गया है। 22 सितंबर तक स्नातक और स्नातकोत्तर सेमेस्टर डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कॉलेज को 30 सितंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर पोर्टल बंद करेगा। रेगुलर प्रवेश प्रक्रिया खत्म होने के बाद द्वितीय सेमेस्टर और प्राइवेट के फॉर्म भराए जाएंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमए के छात्रों को विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए मौका दिया है। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे। प्राइवेट और शासकीय कॉलेज जहाँ सीटें रिक्त हैं। विश्वविद्यालय ने 13 सितंबर से पोर्टल खोला है। बता दें कि छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रथम वर्ष सेमेस्टर या डिप्लोमा 22 सितंबर तक ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज को डैशबोर्ड से प्राप्त सूची को सूची प्रकाशित करनी होगी। चयन सूची जारी करने के पश्चात 30 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी किया जाएगा। बैकुंठपुर से खबर है। तो जिले के सभी कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का दौर अंतिम पड़ाव पर है। बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट वन में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आज आखिरी दिन है। इसके बाद कुलपति के निर्णय पर विद्यार्थी 30 सितंबर तक प्रवेश ले पाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बैकुंठपुर ज़िले में जो कॉलेज है वहाँ पर कितने एडमिशन अभी और कितने खाली सीट हैं। तो शासकीय लाहिड़ी पीजी कॉलेज चिरमिरी में बीए के अभी 148 सीट खाली है। बीकॉम के 113, बीएससी गणित के 69, बीएससी बायो के 49 और बीसीए के 13 सीटें खाली है। और शासकीय माँ महामाया कॉलेज खड़गवा में बीए के 6 सीट खाली है। बीकॉम के 44 और बीएससी बायो के 15 सीटें खाली है। शासकीय विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ में बीए के 124, बीकॉम के 23, बीएससी गणित के 24, बीएससी बायो के 3, बीसीए के 34 सीट खाली है। वही शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव पीजी कॉलेज बैकुंठपुर में बीए के 99, बीकॉम के 61, बीएससी गणित के 9, बीएससी बायो के 55 सीट खाली है। शासकीय ज्वाला प्रसाद उपाध्याय कॉलेज पटना में बीए के 15 सीट खाली है। बीकॉम के 29, बीएससी बायो के 20 सीट खाली है। शासकीय नवीन कॉलेज सोनहत में बीए के लिए 8, बीकॉम के लिए 51, बीएससी बायो में 14 सीट खाली है। शासकीय नवीन गर्ल्स कॉलेज बैकुंठपुर में बीए के 69, बीकॉम के 29 और बीएससी बायो के
43 सीट खाली है। बिलासपुर से खबर है तो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। इसके लिए सीयू आवेदन मंगा रही है। 23 सितंबर तक छात्रों को आवेदन करना है। इसके बाद 30 सितंबर व 1 अक्टूबर को ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। 6 अक्टूबर को परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रवेश के लिए काउंसलिंग 11 अक्टूबर को होगा। VET प्रवेश की अंतिम तिथि एवं VRET साक्षात्कार तिथियां परिणाम के बाद घोषित किए जाएंगे। 30 सितंबर की सुबह 9 से 11 बजे तक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। तो इसके लिए टाइम टेबल मैंने पहले ही बना दिया था, उसे आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं। डोंडी लोहारा से खबर है तो शासकीय एकलव्य कॉलेज डोंडी लोहारा में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में BSc BCom BA भाग द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राएं परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन के भीतर प्रवेश ले लें। प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राएं अपना ईमेल आईडी तैयार कर साथ में लाएं और बाकी डॉक्यूमेंट भी आप साथ में ले जाना होगा। रायगढ़ से खबर है तो शनिवार या सोमवार से कॉलेज में ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 50-50% स्टूडेंट के साथ पढ़ाई कराई जाएगी। स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इस व्यवस्था के बाद भी परेशानी होगी। अभी हॉस्टल खोलने की तैयारी नहीं की गई है। कॉलेज में प्रवेश अंतिम चरण पर है। डिग्री, कॉमर्स और गर्ल्स कॉलेज में इसी हफ्ते एडमिशन पूरे हो जाएंगे। हालांकि इन कॉलेज में अभी कुछ विषयों की 15% तक सीटें खाली है जिनमें प्रवेश चल रहे हैं। कॉलेज में अभी भी सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट की पढ़ाई चल रही है लेकिन उपस्थिति कम है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।